मुस्लिम विद्यार्थिनियों को हिजाब बंदी करने वाले कर्नाटक सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की ओर से मेरा पोशाक मेरा अधिकार आंदोलन कर निषेध दर्शाया। कर्नाटक के भाजपा सरकार ने लड़की ने हिजाब पहनकर क्लास में आई इसलिए उसे बैठने नहीं दिया। भारतीय संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार दिया है। सभी धर्मीय विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, फिर अब भी हिजाब को बंदी क्यों? ऐसी बंदी डालने से लड़कियों की शिक्षा रुक सकती है। इन सभी घटनाओं से हिंदू मुस्लिम भी खतरे में आ सकते हैं, इसीलिए इसी का निषेध करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा संध्या सव्वालाखे की सूचना के मुताबिक महाराष्ट्र महिला कांग्रेस सेवा दल, शहर महिला कांग्रेस, सेवा फाउंडेशन कांग्रेस, साथ ही कांग्रेस पक्ष के अल्पसंख्यक महिला विभाग इनकी ओर से मेरा पोशाक मेरा अधिकार यह आंदोलन किया गया। प्रदेश सचिव नम्रता आचार्य ठेमसकर इनके नेतृत्व में व चंद्रपुर शहर जिला अध्यक्ष रामू तिवारी इनकी प्रमुख उपस्थिति में यह आंदोलन किया गया। इस समय नम्रता आचार्य ठेमसकर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तीखा प्रहार भाजपा पर किया। मुस्लिम विद्यार्थिनियों ने हिजाब पहनकर आंदोलन में सहभाग लिया। लड़की हो लड़ सकती हो, मेरा लिबास मेरा अधिकार, ऐसी घोषणा देकर कर्नाटक भाजपा सरकार का निषेध किया। इस आंदोलन में अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष सोहेल शेख, सामाजिक कार्यकर्ता मतिन कुरेशी, उपाध्यक्षा सुनीता धुटे, सेवा फाउंडेशन कांग्रेस की शहर अध्यक्षा शीतल कातकर, महिला सेवा दल की शहर अध्यक्षा लता बारा पात्रे, उपाध्यक्षा परवीन सैयद, नगर सेवक अमजद अली, सकीना अंसारी, वीना खनके, शहर सचिव हाजी अली इन आदि के साथ किदवाई स्कूल की शिक्षिका और विद्यार्थिनियों ने और बहुसंख्यक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहभाग लिया था। मागच्या आठवड्यात कर्नाटक मध्ये जे गव्हर्नमेंट कॉलेज होतं तिथे हिजाब मुली तिथल्या मुस्लिम मुली हिजाब घालून आल्या म्हणून त्यांचा वर्ग घेण्यात आला नाही, त्यांना घरी पाठवण्यात आलं आणि त्यामुळे तिथल्या मुलींचं कुठेतरी शिक्षण बंद होण्याची वेळ तिथे आलेली आहे। आणि आपण लहानपणापासून सर्वधर्म समभाव ही शिकवण घेऊन शाळेमध्ये शिकत असतो, आपण कधीही हा प्रकार यापूर्वी बघितला नाही, पण हा अचानकपणे हा प्रकार कसा काय समोर आला तर आम्हाला असं दाट आम्हाला याची शक्यता वाटते की उत्तर प्रदेशची निवडणूक डोळ्या समोर ठेवून भाजपने हे जाणीवपूर्वक हिंदू आणि मुस्लिम यांचा जो सलोखा आहे ते बिघडवण्यासाठी असे प्रकार भाजपचं जिथे सरकार आहे ते राज्य घडवत आहे। आणि दुसरा मुद्दा यामध्ये असा आहे की यामध्ये बहुसंख्यक जे लोक आहे ते अल्पसंख्यकांचा कुठेतरी दमदाटी करण्याचा प्रकार यासारख्या प्रकारातून करण्याचा प्रयत्न करत आहे। आणि महत्त्वाचा मुद्दा इथे असा आहे की शिक्षण घेणे महत्त्वाचं आहे, कपड्यांपेक्षा शिक्षण घेणे महत्त्वाचं आहे। एकीकडे पंतप्रधान म्हणतात बेटी पढाओ बेटी बचाओ आणि दुसरीकडे त्यांचं सरकार मुली कोणत्याही परिस्थितीत का असेना शिक्षणासाठी बाहेर येत असताना त्यांना त्यांच्या पहिरावामधून थांबवण्याचा प्रयत्न त्यांच्या पक्षातली लोक करत आहेत, हे दुर्दैवी आहे। त्यांचा हिजाब बघण्यापेक्षा तुम्ही आपल्या मुखावरचा आधी नका बटवा असं मला या निमित्ताने सांगायचंय। टर्निंग करता पढाई से मतलब होना चाहिए, टीचर्स को भी गवर्नमेंट को भी। मुझे ऐसा लगता है हिजाब को स्टूडेंट को पढ़ाई से रोकने का कोई ये मोटिव नहीं होना चाहिए उन लोगों का। स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, उनका हिजाब वो किसी भी तरह के इसमें आए, सिर्फ तुम्हारे स्कूल के रूल्स फॉलो करो, बाकी ये चीज़ों के लिए नहीं बोलना चाहिए कि हिजाब है तो मत आइए, ये मत आइए। वो उनका प्रॉब्लम है, वो उनकी कास्ट के ऊपर जा रहे हो आप लोग, मतलब उनको पढ़ने से रोक रहे हो। तो किस इससे आप बोलते हो कि इंडिया में सबको रहने का बराबर का हक है, सब यहाँ पर एक समान है। जब हमको कानून ने हमारे उससे कोई हक नहीं लिया तो ये गवर्नमेंट आज हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, हमें अंडे से रोका जा रहा है क्यों? तो हम सिर्फ अपना एक लिबास पहन के, इससे क्या ना तो कोई डिस्टर्ब हो रहा है ना तो क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम जा रही है। हाँ, अगर इससे प्रॉब्लम होता है बाकी स्टूडेंट्स को टीचर्स को तो बोलने की बात होती है कि हाँ स्टूडेंट्स ये फॉलो नहीं कर सकते, अपने यूनिफॉर्म में आइए, इससे कोई डिस्टर्ब नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप उनका टैलेंट नहीं देख के उनके हिजाब पे जा रहे हो तो ये तो सरासर गलत है।